नमस्कार, आप देख रहे हैं एसआर अशोकनगर और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र भदौलिया। खबर अशोकनगर विधायक जगपाल सिंह जज्जी को लेकर है। बीती रात करीब 2:30 बजे के आसपास विधायक जगपाल सिंह जज्जी अपने बाथरूम में फिसल गए हैं, जिसके कारण उनकी कूल्हे की हड्डी टूट गई है। सुबह उन्हें अशोकनगर जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था और उसके बाद जब उनकी प्राथमिक उपचार करने के बाद चीजें तय की गई डॉक्टरों ने, तो उन्हें उपचार के लिए रेफर किया गया है और अभी फिलहाल वो भोपाल के सॉरी इंदौर की एक निजी अस्पताल में है, जहाँ सुबह उनका ऑपरेशन होना है। तो ये पूरी बड़ी कहानी है, ये उस समय की बात है जब अशोकनगर में जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है और उन्हीं की विधानसभा में उसी रात में विधायक जगपाल सिंह जज्जी के साथ में ये दुर्घटना हुई है। तो सुबह से बहुत सारे शुभचिंतक और उनको चाहने वाले उनके लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं, जल्द स्वास्थ्य होने की जो है प्रतीक्षा भी कर रहे हैं, उनकी उम्मीद भी जगाएं। इसी बीच विधायक जगपाल सिंह जज्जी ने अस्पताल से अपना एक वीडियो जारी किया है, जिसमें वो पूरी तरह से स्वस्थ से दिख रहे हैं और अपने शुभचिंतकों को एक संदेश भेजा है। तो तमाम सारी भ्रम और दूसरी चीजों के बीच में हम सुन लेते हैं विधायक क्या कह रहे हैं, इसके बाद इस खबर से जुड़ी दूसरी चीजें भी आपके बीच में लेकर आता हूँ। सुनिए विधायक अस्पताल से क्या कह रहे हैं। सभी शुभचिंतकों को प्रणाम। मैं दरअसल मैं अभी इंदौर में हूँ, बस कल एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, एक फ्रैक्चर है तो उसके लिए आया हूँ और जल्दी डॉक्टर्स का कहना 4-5 दिन में आपको छुट्टी दे देंगे। कल छोटा सा ऑपरेशन है, 4-5 दिन में आके मिल रहा हूँ आपसे। धन्यवाद। जय हिंद। तो आप विधायक जगपाल सिंह जज्जी को सुन रहे थे, कह रहे हैं कि छोटा सा ऑपरेशन है, 4-5 दिन लगेंगे, मगर जिला चिकित्सालय में इनका उपचार करने वाले डॉक्टर से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि कूल्हे के एक तरफ की जो हड्डी टूटी है, दरअसल शरीर के ऊपरी हिस्से पर वजन रहता है, उसी का उसी पर वो वजन लेती है और प्राकृतिक रूप से अभी ये हड्डी जुड़ नहीं पाती है। ऐसी स्थिति में इसको बदला जाता है, रिप्लेस किया जाता है या दूसरी जो धातु की हड्डियां हैं वो वहां लगाई जाती हैं। तो जिस तरह की डॉक्टरी चीजें समझ में आ रही है, उनका ये कहना है कि यूं तो ये ऑपरेशन सिर्फ एक दिन का होता है, 2-3 दिन बाद घाव जैसी बढ़ती है तो वॉकर के साथ मरीज खड़ा हो जाता है और कुछ दिनों बाद चलना भी शुरू कर देते हैं। तो है तो थोड़ा सा जो है जटिल प्रक्रिया, मगर समय के हिसाब से अगर देखे जाए तो विधायक को करीब करीब जो है स्वस्थ होने में 8 से 10 दिन अस्पताल में लगेंगे और इसके बाद रिकवरी करने की स्थिति भी आएगी। डॉक्टर का ये भी कहना है कि लगभग 1 महीने के भीतर भीतर सामान्यता इस तरह के मरीज जो है चलना फिरना शुरू कर देते हैं, अपने नृत्य के जो काम होते हैं वो निपटा देते हैं। मगर बड़ी खबर ये है और इस मामले में एक और दो चीज जो आपके बीच में जानना जरूरी था, क्योंकि सुबह से ही कुछ लोगों को व्यक्तिगत तौर पर ये बात पता चल रही थी कि विधायक के साथ ये हादसा हुआ है, तो अपने अपने स्तर पर चीजों को लोगों के बीच में ला रहे थे। ये घटना करीब बीती रात 2:30 बजे की है और 2:30 बजे से लेकर सुबह 6-7 बजे तक विधायक इसी अवस्था में अपने घर में रहे, ये बाथरूम करने गए होंगे, उस समय की बात बता रहे हैं 2:30 बजे के आसपास, उन्होंने बाथरूम में फिसले हैं और उससे लेकर सुबह तक उन्होंने अपनी इस अवस्था को लेकर या अपने इस चोट को लेकर किसी से चर्चा नहीं की। सुबह उनको अस्पताल पहुंचाया गया, तब मालूम पड़ा कि चोट थोड़ी सी बड़ी है, ज्यादा है और उसके लिए उपचार हेतु दूसरी जगह जाना पड़ेगा। तो यहाँ से इंदौर तक पहुंचने के दौर में आज दिन भर बरसात रही, तो सामान्यता जो सफर 5-6 घंटे में होता था वो भी 10 घंटे में हो पाया। तो सुबह ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है इंदौर के एक निजी चिकित्सालय में, उनके शुभचिंतक और उनको चाहने वाले लोग लगातार उन्हें विशेष दे रहे हैं, शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो वो बहुत जल्द स्वस्थ हों और चुनाव के इस माहौल में फिर से आकर जो है अपनी चीजें संभालें। तो आज के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।